एक बड़ी खबर सामने आ रही है, शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाइक के खिलाफ ईडी का हंटर चला है। ईडी प्रताप सरनाइक की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करेगी। थाने के दो प्लॉट और मीरा रोड का एक प्लॉट होगा जब्त। तो थाने में दो फ्लैट और मीरा रोड का एक प्लॉट भी प्रताप सरनाइक का जब्त होने वाला है। एनएसएल घोटाले में जांच पूरी हो चुकी है, इसलिए ईडी अब एक्शन ले रही है। ईडी के एक्शन के खिलाफ हालांकि सरनाइक कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो विरोधी लगातार निशाना साध रहे थे, प्रताप सरनाइक शिंदे गुट में आ गए हैं और शिंदे गुट का गठबंधन बीजेपी के साथ हो गया, इस वजह से ईडी की कार्रवाई उनके खिलाफ बंद कर दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईडी की कार्रवाई अभी भी प्रताप सरनाइक के खिलाफ जारी है। और अब जो खबर आई है, उनकी 11 करोड़ की संपत्ति जब्त हो सकती है। हालांकि उनके पास कोर्ट में अपील करने की आजादी है, वो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकती है।